के बारे में बताएंगे, वो जो कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो कल से जो पुकारा चल रहा है उसके बारे में बताइए सर। जी समद भाई बहुत अच्छे आदमी है भाई, हमारी बस्ती का कभी बुरा चाहते नहीं उन्होंने। समद भाई क्यों कब्जा करेंगे भाई, पूरे बस्ती का से काम है वो। वो कब्रिस्तान क्या मतलब, कौन से कौन से बस्ती होंगे वालों के याद से? फुलबाग है, नसीब नगर है और गुलशन अकबाल कॉलोनी है, इन लोगों के वास्ते बहुत फायदेमंद चीज़ है वो, सबके वास्ते है कब्रिस्तान। जो बात का जो झगड़ा चल रहा है जी, उसके तालुक से आप कुछ बताएंगे साहब, असल में क्या है वो, किसी का है, क्या है, अवाम का है या अलामरी वालों का है या फिर समदई का है, किसका है? जमाने से जब से और मस्जिद तामीर हुई जब से तो आम आदमी का ही है वो, जैसा फुलबाग है, नसीब नगर है, गुलशन इकबाल कॉलोनी है, सबके लिए कब्रिस्तान वो आम था। मगर अभी गेट लगाने की वजह से समदीन नरदास साहब कहने गए हम लोग पूरे मिल के, तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने आने के बाद गेट को हटाए और पुलिस कंप्लेंट दिए। मगर वो जब से कब्रिस्तान और मस्जिद तामीर हुई जब से आज तक तो कोई किसी के बारे में कोई बोले नहीं थे। कुछ ऐसा चल रहा पुकारा है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? फिलहाल तो जो है ना रोकदारे तकफीन करने के वास्ते गेट वगैरह लगा के जो है ना सबको परेशान करे हुए, हम लोग सब बस्ती से जाके जो है ना समझ साफ करें, जो है ना अपील करें कि जो है ना इस वजह से जो है ना रुकावट हो रही बोल के। कल भी जो है ना हमारे दोस्त के जो है ना कुछ सजारों में से भी जो है ना हुए तो वहाँ पर रोक डाले, आने के लिए अंदर मना करे। आज से उनके ऊपर ये लगे सुना रहा कि दोनों कब्रिस्तान को जो है ना कब्जा कर रहे हैं, उनके कहीं ऐसी पुकारा हो रहा है उसके बारे में आप? नहीं नहीं गलत बात है, समा साहब को सामने कई बस्ती के लोग जाके जो है ना अगर गरीब लोगों की जो है ना अगर बात आई वहाँ पे तकफीन के लिए जगह के, तो जो है ना उन्होंने अपनी खुदी से जो है ना आगे बढ़ के जो है ना आए हुए हैं और कई जनों को जो